All right, so students, today I'll teach you the lesson to the story A Gift of Chappals. A Gift of Chappals. Now let us familiar with the characters. Ridhu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother. Ridhu, uske grandmother ke saath rehti hai, and Thatha, uske grandfather ka naam, grandfather hai. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Ruku Manne's house. To meet her cousin, उसके cousins कौन-कौन से हैं? कौन-कौन हैं? लाली, रवि and मीना. So मृदु अपने grandparents के साथ रहती है, तापी and ताथा. और उसकी जो grandmother है, उसे मृदु के आंटी के घर ले जाती है. उसका नाम है रुक्कु मन्नी और उसके children है लाली, रवि एंड मीना. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. अ स्माइलिंग रुक्मिणी थ्रू ओपन द डोर. दरवाजा खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन. रवि एंड मीना दौड़ के बाहर आते हैं और रवि क्या करता है? पुल्ड मीनू इन टू द हाउस. Mridu into the house. Mridu into the house. A dialogue. Wait. Let me take off my slippers. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. अब यहाँ पे पहले से ही ब्लैक कलर की चप्पल पड़ी हुई थी बड़ी सी और उसके बाजू में मृदु अपने चप्पल स्लीपर्स उतारने वाले थे लेकिन उसको रवि अंदर खींच के ले जाता है. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. Grey thi lekin color black ho gaya tha dhool se. Par us pe you can see the clear mark of every toe. Toe ka mark bhi dikh raha tha, matlab itni ghisi hui chappal thi. That marks for the two big toes were long and scrawny. पर ऐसे लंबे अंगूठे के निशान ऊपर हो गए थे. स्ट्रॉन्ग मतलब थिन. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. मृदु के पास ज्यादा टाइम नहीं था वो स्लीपर किसका है वो सोचने के लिए क्योंकि रवि उसे खींच के बैकयार्ड ले जाता है. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. बिटर बेरी बुश पे ले जाता है वहां पे पीछे बेरी बुश जहां पे लगाया हुआ है. देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइन विथ इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइन विथ सेकिंग एंड फील्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन. वहां पे क्या था? एक किटन. किटन था बिल्ली का बच्चा था. Yeah.
ठीक है, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, कोकोनट का जो हाफ सेल होता उसमें से दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing. उसको गेट के बाहर से वो बच्चा मिला है उन लोगों. Said Meena, Meena बोल रही है. It's a secret. ये secret है. Amma says, Patty will live for our Pandu Mamma's house if she knows we have a cat. अगर पाती को पता चल जाए, पाती मतलब ग्रैंड मदर को पता चल जाए तो वो पद्दू मामा के घर will live for our Pandu Mamma's house. If she knows her new knows we have a cat, अगर उस अम्मा को पता चल जाएगा तो वो घर छोड़ के चली जाएगी. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमेशा समझाते हैं कि एनिमल से एनिमल्स के साथ अच्छा रहना चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसा अच्छा रहेंगे तो सब चिल्लाने लगते हैं. Oh, don't bring that dirty creature here. ऐसे गंदे क्रिएचर को यहाँ मत लाओ. सही रवि ऐसा बोलते हैं. Don't you know how hard it is? Hard. It is just to get a little milk from the kitchen. Patty saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Okay? पार्टी को थ्रस्ट कराने के लिए उसे ही वो दूध पीना पड़ा. अगर पार्टी को पता चल जाता कि वो लोग कीटन्स को लाए हैं तो प्रॉब्लम हो जाता, मतलब वो घर छोड़ के चली जाती, तो रवि को ही दूध पी लेना पड़ा. देन सी वांटेड द टम्बलर बैक. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. ठीक है, Pati को शक हो, उससे पहले मैंने मिल्क को जो टम्बलर में लाया था मिल्क, पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल में डाल दिया. ठीक है, एंड पुट बैक द बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. महेंद्रन किटन का नाम उन लोगों ने क्या रखा है, महेंद्रन. महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. Cat ka name nahi lag raha hai, sir. Real name lag raha hai. Actually, his full name is Mahendra वर्मा पल्लवा पन्नई. माइक्रोफोन ऑफ करो सब. एक्चुअली स्कूल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पन्नई, एमपी पुनई, फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. कैट है. जस्ट लुक एट हिज फर, उसकी फर देखो, लाइक अ लायंस मैन, लायन के जैसे फर है उसकी, लायन का मैन होता है उसकी फर है. एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, जो एम्ब्लेम था, जो सिंबल था पल्लवा किंग का, क्या था आपको पता है? डोंट यू, ही लुक्ड
एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. मृदु को देख के बोलता है कि आप पता है ना सबको, मृदु गिगल हंसती है थोड़ी. थिंक आई एम जोकिंग. वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम. अभी दिखाऊंगा, टाइम मिलेगा तो. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ पता नहीं है. Haven't been to Mahabalipuram. Have you कभी महाबलीपुरम गए हो? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his thathas dada ke dada. etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. वो जो ancient cat है उसका descendant कौन है? Mahendran है. जो हमारे पास cat है वो descendant, मतलब a descendant of or comes from, वहां से वो belong करती है. A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. Scientifically हम बोले तो lion के relation में है. The Pallava lion, कौन सा lion? जो Pallava lion था वो emblem of Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down. झाड़ के twig को up down करते हुए बोलता रहता है. His eyes sparkling. उसकी आंखों में वो चमक दिख रही है. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. Mahabalipuram Rishi cat की descendant है. And if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. Ancient Egypt में तो वो cat की पूजा भी करते थे. How he loved the sound of his own voice. उसे बहुत पसंद है खुद का sound, voice. Meena and Mridu exchange looks. Meena and Mridu एक दूसरे को देखते रहते हैं, रवि की बात सुनते हैं. What does that have to do with anything? Mridu demanded. तो उसे क्या लगता है मतलब? I am telling you, this cat is descended. मैं बता रहा हूँ ये कैट कौन सी है, डिसेंडेड है. डिसेंडेड कहाँ से? फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. कैट गॉड से आई. नो गॉडेस या गॉडेस से आई है. बेस्टेट या दैट इज शायद उस गॉडेस का नाम है. सो तो क्या हुआ? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स. स्टो अवे, स्टो अवे मतलब क्या होता है? समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस्ड. एयरक्राफ्ट में, शिप में या एयरक्राफ्ट में या कोई व्हीकल में छुपके आ जाना, छुपके आ गए थे वो कैट, ऐसा बोल रहा है. एंड हिज डिसेंडेंट वाज अ महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज. रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन एमपी पन्ना हियर. वो उसे बुला रहा है. He shrieked, very pleased with himself. Mahendran looked up, ऊपर देखती है बिल्ली. Alarmed, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. Coconut shell पे अपने claws घिस रही है. But worse than Ravi's awful woe,
was a crutch. लेकिन कहीं से आवाज आ रहा है क्रैच क्रैच आवाज आ रहा है फ्रॉम द विंडो विंडो से आवाज आ रहा था क्रैच व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड एमपी पोंडई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स मृदु चौंक जाते हैं कि आवाज कैसा है ये हेयर स्टैंडिंग ऑन And he bounced up and scurried towards a bamboo tree of red chilies that had been set out to dry. और आवाज सुनके बिल्ली भागती है और कहाँ से भागती है? Red chilies जहाँ सुखाने डाले हैं bamboo tree में. Trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. कुछ चिली उसपे ऊपर ही गिर जाती है. Meow! He howled miserably. The crunching went on and on. What's that noise? Said Mridu. मृदु बोले crunching sound किसका है? That's Lali learning to consistent sound. That's Lali learning to play the violin. Grunted Ravi. Ravi बोलता है तो Lali है जो violin सीख रही है. She will never learn a thing. The music master just goes on a playing like a train, whistling on and on. While Lali is all the time derailing, going completely off track. So music teacher है, music master है, वो train जैसे भागती है उस तरह से speed में भगाता रहता है. और Lali उसको follow करती है लेकिन derailing उसके जो टोन है उसके सुर है उसे पकड़ पाती नहीं है. पार्ट टू है मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो. मृदु कहाँ पे जाती है? विंडो के पास जाती है. लाली वॉज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे वहां से थोड़ी दूर बैठी हुई ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बाउ स्ट्रिंग वायलिन और उसके साथ क्या है वो स्ट्रिंग को पकड़े हुआ है और एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. उसके एल्बो थोड़ा उसको वो स्ट्रिंग को पकड़ा थोड़ा बाहर सा है थोड़ा मुड़ा हुआ है और कंसंट्रेट किए हुए हैं. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज द बोनी फिगर पतला वाइट फिगर पतला फिगर है बोनी फिगर of the music master. वो कौन बैठा है उसके सामने? म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ है. He had mostly bald head. ज्यादातर तो bald है, टकला है, with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. ठीक है, ये म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ है यहाँ पे. Bald है and tuft है और ये थोड़े hair है उसके सिर पे. A gold chain gleamed around his leathery neck. Neck पे gold chain पहना हुआ है. And a diamond ring glittered on his hand. Hand में ring पहना हुआ है, diamond ring. As it glided up and down the stem of the violin, a large foot stuck out from beneath his gold bordered vesti edge. Vesti मतलब क्या होता है? धोती होता है. धोती से लार्ज फूट उसका पैर दिख रहा है बाहर. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. उसका जो टो है उससे फ्लोर पे बीट कर रहा है, मार रहा है. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. Lali स्टंबल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन which look quite helpless. वो गाता रहता है और Lali उसके पीछे stumble मतलब गाती तो है लेकिन वो उसको properly follow नहीं कर पाती. Follow haltingly properly वो गा सकती नहीं है उसके पीछे. You can see the images here. Music teacher Lali, Ravi, Mridu and Meena. And unhappy in her hand
व्हाट आर डिफरेंस बहुत डिफरेंस है टीचर के गाने में और लाली के गाने में द म्यूजिक मास्टर स्नोर सेम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी म्यूजिक मास्टर परफेक्ट गा रहा है इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Ridhu started at that huge barringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Bearing the hand, matlab music master is bearing ring. Music master ke hand वायलिन पे स्टेम पे एफर्टलेसली घूम रहे हैं बीरिंग द हैंड है मतलब रिंग पहने हुए हैं स्क्वैक देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन लाली फिर से अच्छा नहीं गा रहे डीरेलिंग हो रही है मतलब ट्रैक नहीं पकड़ पा रही अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट बाहर गेट के बाहर से कुछ आवाज आ रहा है अम्मा अम्मा ओ अम्मा रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर रवि उस बेगर को मतलब जो भिखारी घर के बाहर आया उसको भगाओ फ्रॉम द बैक परंडा वेयर शी वाज चैटिंग परंडा के फ्रॉम द बैक परंडा पीछे का परंडा पे वो लोग बैठे हुए और आगे आगे के परंडा पे बेगर आया है तो अम्मा बोलती है रवि को कि उसे भगा दो Where she was chatting with Tapi. Tapi aur amma baat kar rahe hain. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to back from. Pati explained to Tapi. पार्टी बता दे भाई ये एक वीक से हमारे घर ही मांग रहे हैं अभी उसको घर बदल देना चाहिए Ridhu and Meena followed Ravi out. Ravi के साथ बाहर कौन जाता है Ridhu and Meena followed Ravi out. Ravi के साथ बाहर जाते हैं Ridhu and Meena. The beggar was already in the garden. Garden में आके बैठ गया है making himself quite at home. Beggar को तो रोज आता है मतलब एक वीक से घर जैसा ही लगता है He had spread his upper clothes under the neem tree के नीचे बैठ गया, and was leaning against its trunk. Neem tree के आगे उसके कपड़ा डाला और आराम से झुक के बैठ गया है, पीछे सपोर्ट लेके. Apparently prepared to take a little snooze. ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा आराम करने वाला है, तो short sleep लेने वाला है. While he waited for the arms to appear. और थोड़ा आराम कर ले तब तक थोड़ा आम सा जाए जो खाना वाना कुछ लेने वाले हैं घर वाले वो भी आ जाएगा गो अवे सेड रवि स्टर्नली रवि ने उसे बताया जाओ भाई माय पट्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम अब आपको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि एक वीक से आप घर पे मांग रहे हो अभी एक वीक दूसरे घर पे मांग द बेगर ओपन हिज आईज Very wide and gaze at each of the children one by one. Tino ko beggar ek ke baad ek dekhta hai. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind soul. Is ghar ki jo ladies hai wo bahut kind hai. I have kept my body and soul together. Keep my body and soul together on their generosity. For a whole week, if my body and soul together, मतलब manage to stay alive, लोग का खाना मिलने से मैं जिंदा हूँ अभी तक. I cannot believe that they would turn me away. मुझे trust नहीं हो रहा है वो लोग अभी मुझे निकाल रहे हैं. He raised his voice, अम्मा, अम्मा, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. ठीक है वो थोड़ा दुख 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 भरे आवाज में बोल रहा है अम्मा अम्मा लेकिन वो उसकी आवाज इतनी ढीली नहीं है इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज
विदर्ड बेली, मतलब बेली पतला है थोड़ा, खाना टाइम पे मिलता नहीं है, मतलब विदर्ड बेली है. एंड केम मूविंग आउट ऑफ हिज माउथ, पेट से आवाज मुंह से बाहर आ रही, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग. सुपारी खाता है तो उसके दांत कैसे हो गए, ब्राउन हो गए, वहां से आवाज बाहर आ रही. बोल रहे रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी बोलती है ए, उसको बता दो कि भाई घर पे कुछ नहीं बचा किचन में. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, फिर से आने की जरूरत नहीं है. टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप, ऐसा लग रहा है कि रुकुमनी अब फेड अप हो गई, फेड अप मतलब फेड हो गई उससे. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल थ्रू द बिगर, उसको रिपीट करने की रवि को जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? What his mother said had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. ठीक है, रुकु मन्नी बोलती है तो इतना जोर से बोल रही है पिछले वरंडा से कि आगे तक सुनाई दे रहा है, बेगर को भी सुनाई देगा. I will go, I will go, he said wearily. थके थके आवाज में बोलता है. Only let me have a rest here under this tree. ठीक है, नीचे थोड़ा आराम करने दो. The sun is so hot, the tar had melted on the road. My feet are already blistered. बहुत गर्मी है और जो रास्ते का रास्ते पे जो टार है वो भी मेल्ट हो गया है और ब्लिस्टर हो गया मेरे पैर में. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. और फीट ऊंचे करके वो दिखाता है कि यहाँ पे मुझे ब्लिस्टर हो गए. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है. मृदु whispered to मीना, रवि दोनों कहती है. Have you got an old pair in the house somewhere? कहीं पे है क्या चप्पल पड़ी हुई पुरानी? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. मेरे तो बहुत छोटे हैं चप्पल, नहीं तो मैं दे देता हूँ उसे. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. Mridu के भी नहीं आएंगे और Meena के भी नहीं आएंगे. The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. Dhoti ko thoda fit karna hai. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. Dekh raha hai bhai heat bahut zyada hai aur abhi agar jana padega usse to ye blister wale feet mein usse bahut problem ho jayegi. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा. Say Ravi, I am thinking about it. Blubbering. It's not fair. It's not fair. It's not going to help. ये अच्छी बात नहीं है कि ये ऐसा बेकार हमारे घर आया उसके पास चप्पल भी नहीं है. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. 2 minutes में उसके पैर fry हो जाएंगे. What he needs is a pair of chappals. उसे pair of chappal चाहिए. So where do we get them? Come, let's search the home. He pushed Mridu and Meena into the house. घर में जाते हैं. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जब आई थी तब उसने चप्पल देखा था, लेकिन उस टाइम उसे पूछने का टाइम नहीं मिला. Ravi, she whispered to him, "Whose are those? ये किसके हैं?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. वो खुश हो जाता है. These are just the original size, he said. Pick them up. Mridu and Meena followed him nervously.
back into the garden. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. Here, Fanlo. But we say, Anna, what? The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. खड़ा हो जाता है, अपने चप्पल पहनता है और children को blessing करके निकल जाता है. In a minute he had vanished around the corner of the street. इससे दिखना बंद हो जाता है. The music master, actually चप्पल music master का था. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly. Sitting quietly under the tree, सब तीनों तीन चप्पल देकर को देखे आराम से बैठे हुए हैं. Playing marbles, मार्बल खेल रहे हैं. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Veranda पे चप्पल ढूंढने लगता है. Lali, he called. After a few moments, she hurried up to him. Lali को बुलाता है वो. Lali, कहाँ पे चप्पल है? Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. यहाँ पे निकाला था, कहाँ गया? Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. Ravi, Meena and Mridu, उनको पता है, लेकिन आराम से बैठ के हम लोगों को देख रहे हैं कि कैसे चप्पल ढूंढ रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. इधर उधर सब जगह वो सर्च करते हैं. Brand new they were, एकदम नई थी. I went all the way to Mount Road तक चल के गया था मैं to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fee. Do you know? पूरे महीने की fee लग गई थी मेरे उसको खरीदने में. Soon Lali went into tell her mother. Rukmani appeared, looking harassed, with Patti followed her. Where could they be? It's really quiet. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. किसी ने चुरा लिया होगा. So many vendors, यहाँ पे बहुत vendors आते हैं, बेचने वाले बहुत आते हैं. Come unto the door, worried Patti. Rukmani caught sight of Ravi. Ravi को देखती है Rukmani. Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. गुस्सा हो जाती है, शायद उसे पता चल गया कि बच्चों ने कुछ ना कुछ किया है. Rukmani was angry. Hot Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet. She tried to tell herself. Mridu सोचती है अगर आंटी को पता होगा beggar के बारे में तो इतना गुस्सा नहीं होगी. Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. उसके जो एक beggar आया था, उसके पैर में blister था. So, said Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappal to the that old beggar who turns up here. उसको दे दिया वो भिखारी को. Children these days, grown Patti. Amma, didn't you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings?
He was so kind and generous. Silas, snapped the Rukmani. Karna didn't give away. Karna deta to tha, lekin give away other people's things. He only gave away his own. खुद की चीजें देता था, दूसरों के दान में देता नहीं था. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. पर मेरी तो बेगर को आ नहीं रही थी. Ravi rushed brashly on and Amma, if they did fit, would you really not have minded? अगर fit हो जाते तो दे देता क्या? Ravi said Rukmani, very angry now. Go inside this minute. अंदर जाले जाओ. She hurried indoors and brought out a Gopu. वो अंदर चली अंदर जाती है और Gopu मामा की चप्पल ले आती है. Hardly wore new chappals. This should fit you, sir. Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eye lit up. खुश हो जाता है music master. He put them on. Because उसकी चप्पल अब पुरानी थी और नई चप्पल से मिल जाती है तो खुश हो जाता है. Trying not to look too happy, लेकिन दिखाता नहीं बहुत खुश है. Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? Hanuman इनका जैसा हनुमान के जैसे ही है ये. Only Ram can save such naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi. Big ball monkey, even a holy monkey. तो मंदी को पसंद नहीं आया. रवि को कोई monkey बोले. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो चाहती थी कि वो निकल जाए. मास्टर जी निकल जाए. When he had clattered off, फटफट करके निकल जाता है. In his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." Honestly, how do you children think of such things? ऐसे सोच लेते हो ऐसा. Thank God your Gopu mama doesn't wear these chappals to work. Gopu mama ये चप्पल काम पे नहीं पहन के गए. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. अचानक खुश हो जाती है. But he has always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन जैसे ही घर आते हैं वैसे शूज और सॉक्स निकाल लेते हैं और चप्पल के लिए भागते हैं. चप्पल पहन लेके दौड़ेंगे. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? लेकिन मृदु वो मामा से छुपाएगी कि रवि ने चप्पल दे दिया था एक्चुअली, और वो खुद एक्सेप्ट कर लेगी कि मैंने ही आपकी चप्पल किसको दे दी, बेगर को दे दी. ठीक है, इस तरह से बच्चों ने बेगर्स को चप्पल दे दी थी और उसकी गलती छुपाने के लिए मामी ने मामा की चप्पल मास्टर जी को दे दी और मामा को ऐसे बताएंगे कि उसकी चप्पल उसने मामी ने किसको दी, मास्टर जी को दे दी थी. वसंत सूर्या स्टोरीज रिटन बाय वसंत सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास. गुरु चक्का टर्न्स अप. थैंक यू.